देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मची तबाही के बीच तीसरी लहर की भविष्यवाणी से लोगों में भय और बढ़ गया है। तीसरी लहर को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई पुख्ता तथ्य नहीं है। पिछले दिनों काफी जोर शोर से ये बात उठी कि कोविड की तीसरी लहर में बच्चों पर उसका कहर सबसे ज्यादा हो सकता है। संभावनाएं ऐसी हैं कि पहली लहर में बुजुर्गों को अपना निशाना बनाया था, दूसरी लहर में युवा वर्ग निशाने पर आ रहा है और तीसरी लहर में शायद संक्रमण बच्चों को अपना शिकार बना सकता है। जिसके संबंध में जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि तीसरी लहर की खबरें आ रही हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, पर बच्चों पर विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते कूदते हैं, उस दौरान किसके संपर्क में आ रहे हैं उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ बच्चों को, खासकर जो कमज़ोर हैं और कुपोषण के शिकार हैं, उनका विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसे बच्चों को खाने पीने में विटामिन से भरे चीज़ें खिलाएं, साथ ही 12 वर्ष के उम्र के बच्चों की माताएं वैक्सीनेशन करवा लें, जिससे किसी भी संक्रमण से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया। हर चीज़ को लेकर पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं, बच्चों को किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से अगर सिम्टम आते हैं उनको किस तरीके से क्या प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। ये बहुत सही प्रश्न है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव अधिक जरूरी और आवश्यक है बजाय उसको ठीक करने के लिए। इस संबंध में मेरी पूरी सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, कि जो मेन भावना है उस भावना को डाउन द लाइन उन्होंने सबको, अपने अधिकारियों को, सभी विभागों को अवगत करा दिया है कि सबसे ज़रूरी है इन्फेक्शन। बच्चों को इन्फेक्शन होने का मतलब है कि बच्चे आपस में खेले हुआ हो सकता है। दूसरी उम्मीद है कि बच्चे इन्फेक्शन पाएंगे अपने माताओं से, अपने घर वालों से। एक बच्चा सबसे अधिक अपने माता के पास रहता है। तो जो वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, जो 18 से 45 साल की उम्र में वैक्सीनेशन होना है, यही चाइल्ड प्रोड्यूसिंग बियरिंग एज है, बच्चा पैदा करने की उम्र है। इसीलिए अनुरोध है कि 18 से 45 साल के बीच की औरतें, जो अभी बच्चे छोटे हों, बच्चा पैदा करना हो, बच्चे 12 साल तक हों, वो अपने आप को पहले तो टीका लगवा लें, पहले आप अपने आप को सुरक्षित करें, जिससे कि वो दूसरे के द्वारा इन्फेक्शन लाके अपने बच्चे को संक्रमित न कर सकें। दूसरा, अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन्हें स्वस्थ रखना। पौष्टिक भोजन दें, हरी सब्जियां दें और थोड़ी बहुत उनकी एक्सरसाइज भी करवाएं। जैसे घर में बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर में कमरे में भी आप बरामदे में खड़े होकर पीटी कर सकते हैं। 15-20 मिनट की पीटी उनके जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाती है, जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 28 से 30 से अधिक 18 से ऊपर ले जाती है, जितना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा लंग में ऑक्सीजन अधिक पहुंचेगा, शरीर में बने हुए जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, इसके द्वारा बाहर निकल जाएंगे, सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, बच्चों में भूख भी लगेगी, खाएंगे भी अधिक। तो उनको एक्सरसाइज या पीटी करवाएं और पौष्टिक आहार दें। तथा तीसरे में, जब भी बच्चे को ये ज़रूर समझा दें कि एक दूसरे से दूर रहें, दूरी बना कर रखें, मास्क अवश्य लगाएं। तथा साथ में ये हम लोगों को भी रहेगी कि जो भी बच्चे, सैम बच्चे हैं, कम वजन वाले बच्चे हैं, स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे हैं, एनीमिया वाले बच्चे हैं, इन सब का ट्रीटमेंट वो अपने CSC PSC या अर्बन हेल्थ सेंटर पर जाके ले लें। यदि उनको और भी कोई दिक्कत होती है तो हमारे यहाँ 7-8 पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे आके राय ले सकती हैं। पीडियाट्रिक OPD मेरी इमरजेंसी चल रही है, उनसे वो सेवा ले सकती हैं। बच्चों को बचाने के लिए, अंततः ये बात हुई कि बच्चों को बचाने के लिए पहला जरूरी है उनकी माँ को बचाना। 18 से 45 साल का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, 1 जून के बाद संभवतः स्पॉट रजिस्ट्रेशन के उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा, वो करा लें। अपने भी पौष्टिक आहार दें, बच्चों को भी पौष्टिक आहार
दें, और किसी भी तरह की बच्चों में बीमार एनीमिया हो जो बहुत आसानी से पता लग सकता है, या किसी तक ग्रोथ प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कुपोषण हो, उसको दूर कर देगा, कष्ट करें। सर, यदि किसी तरह तरीके का सिम्टम है तो कैसे पहचाना जा सकता है कि बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन केस में आ रहा है? किसके कौन से ऐसे सिम्टम होंगे जिससे माँ बाप को सचेत हो जाना चाहिए? देखिए, एक तो बच्चे का वजन न बढ़ना, दूसरा हाइट के हिसाब से वजन कम होना जिसको स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, तीसरा एनीमिया, चौथा बच्चे के नॉर्मल जो ग्रोथ होते हैं हर पैरामीटर होते हैं, नॉर्मल समय पर डेंटिशन हो जाए, दांत आ जाए, नॉर्मल समय पर हियरिंग हो, नर बच्चा एक मोबाइल हो, और चौथा स्किन की बाइसेप्स ऊपर किसी भी हाथ के ऊपरी बाजू में मसल की थिकनेस देखकर ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा हमारा माल नरिश तो नहीं, कुपोषित तो नहीं है, नॉर्मल थिकनेस 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। हर आंगनबाड़ी ANM के पास एक टेप है, मेजरिंग टेप है, जिसमें येलो ग्रीन और रेड लाइन जोन होता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि मेरा बच्चा रेड जोन में है, ग्रीन जोन में है, या येलो जोन में। जो रेड जोन के बच्चे हैं उनको चिकित्सालय में आके NRC में आके भर्ती कराएं, जो येलो जोन में है वहीं पर पोषण बढ़ाया जाए, और जो ग्रीन जोन में है वो नॉर्मल बच्चे हैं।